हफुआ और कोतो में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन। ग्राम पंचायत हफुआ और कोतो के पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हफुआ पंचायत की मुखिया सालो देवी तथा कोचो पंचायत की पंचायत समिति वीना देवी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीता हरिहरन तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार गुप्ता, CDPO अनुपमा मैडम, भाजपा युवा नेता स मुखिया किशोर कुमार महतो, पंचायत समिति ममता देवी एवं दौलत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीता हरिहरन ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे झारखंड के हर पंचायत में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में LED गाड़ी से जानकारी देने के साथ साथ एक एक जनता को इसका लाभ मिले। मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा गोद भराई भी की गई। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा किया जा रहा है और यह निश्चित किया जा रहा है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की हर योजना पहुंचे और उसका लाभ मिले। JSLPS की महिला समूह आंगनबाड़ी की सेविका कोतो की उप मुखिया बीना देवी, मनोरमा देवी सहित कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। पत्रातु से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। पेड़ है, इसका पत्ता उपयोग कर सकते हैं। हमारे गांव के आसपास आप लोग के पास यहाँ पे कम से कम सिंधवार हो गया, थेथर हो गया, फुटोस हो गया, नीम होगा, अकवन होगा, और भी आप लोग जानते होंगे। इन सारे वनस्पतियों का पत्ती का उपयोग करके हम दवा बना सकते हैं और अपना जो कीट नियंत्रण है या बीमारी का नियंत्रण है अपने खेतों में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बचत होगा, लागत कम आएगी और जो भी हमारा उत्पाद होगा वो स्वस्थ होगा। तो जैविक खेती और प्राकृतिक